हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी चीएसएसएल के अंतिम दिन यानी कि 28 मार्च 2018 के जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं उन सब के बारे में। तो दोस्तों, इसके बाद में आप हमें कमेंट बॉक्स में आपका एनालिसिस दे सकते हैं कि आपका पेपर कैसा हुआ है। तो चलते हैं अभी आज के क्वेश्चंस पे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इसमें फिजिक्स न्यूमेरिकल था तो आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था, एक्सेलरेशन दिया हुआ था और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अपने को दी हुई थी। तो ये फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ है पहले, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, तो यहाँ से एस निकल के आ जाएगा। फिर क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर हिंदी में बोलते विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया का मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जैसे कि कोई कंपाउंड ए बी है तो सी के साथ रिएक्शन करके ए प्लस बी सी नाम का कोई यौगिक बना लेता है, तो यहाँ पे बी का जो है वो विस्थापन ए से बी सी पे हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा था, इंडिया में जो पेपर करेंसी है वो कब स्टार्ट हुई थी, कौन से ईयर में, तो ईयर था वो 1861 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। फिर पेंसिल पोर्टल के बारे में पूछा था, तो ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका था। तो ये इनॉग्रेशन किसने किया था, तो इसका इनॉग्रेशन किया था राजनाथ सिंह ने। फिर क्वेश्चन पूछा था ब्लड प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 60% पार्ट होता है, और इसका काम क्या होता है प्लाज्मा का, ये पचे हुए भोजन और हार्मोनों का शरीर में संवहन करता है। फिर क्वेश्चन पूछा था शेड्यूल एडेड इन 74 अमेंडमेंट, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कम से कम 10 या 12 सेट्स में पूछा जा चुका है। तो ये 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फिर पूछा था टॉम्ब ऑफ जहांगीर कहाँ पे है, तो ये लाहौर पाकिस्तान में है, मतलब जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में है। फिर क्वेश्चन पूछा था नेशनल इनकम कैलकुलेटेड बाई, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के अपने पास तीन मेथड्स हैं, उसमें पहला वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर, तो इनमें से आपको एक चौथा ऑप्शन होगा तो वो नहीं करेगा, तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा होगा। फिर पूछा था आर्य समाज किस सन में फाउंड किया गया, तो वो था 1875 ईस्वी में। फिर ये स्टेट लैंड विद शेड्यूल, तो ये शेड्यूल की बात करें तो अनुसूची पहली में ही आएगा शायद। फिर अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट एस्चुअरी, तो एस्चुअरी बोलते हैं हिंदी में नदी का मुहाना, तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए होंगे तो उनमें से कोई तीन नदी के मुहाने होंगे और चौथा नहीं होगा, उस हिसाब से आपको देखना था। फिर क्वेश्चन था फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, तो फोटोसिंथेसिस में क्या काम आता है या फोटोसिंथेसिस में कौन से पार्ट्स काम करते हैं, ये सब आपसे पूछा होगा। तो फोटोसिंथेसिस एक एक्शन है जिसमें प्लांट्स जो अपना भोजन बनाते हैं। फिर एक्सेल से पूछा था, तो एक्सेल में अपने को लेफ्ट जाना होता है एक सेल, तो उसके लिए अपन लेफ्ट एरो का यूज करते हैं। फिर पीएम ऑफ नेपाल ये पूछा, तो खाड़गा प्रसाद ओली होंगे, ये कल भी पूछा था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, तो इसमें पूछा था ममता कालिया को कौन सा अवार्ड मिला है, तो व्यास सम्मान अवार्ड मिला है, और वो कौन सी नोवेल के लिए मिला है, तो वो दुखम सुखम नोवेल थी उनकी, ये एक हिंदी राइटर है प्रसिद्ध, तो ये क्वेश्चन था अपना। फिर अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें पूछा था कि ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी जो जिसके फॉरेनर प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो इलाहाबाद में हुई थी और 1888 ईस्वी में हुई थी, और ये पहले फॉरेन प्रेसिडेंट कौन थे, ये जॉर्ज यूले थे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा था नंबर ऑफ आवर्त इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में दो चीज होती है, एक आवर्त होते हैं एक समूह होते हैं, तो आवर्त 7 है और समूह 18 है। फिर क्वेश्चन पूछा था स्कीम लॉन्च्ड फॉर गर्ल्स ऑन 24 जनवरी 2018, तो ये सैग नाम की एक स्कीम थी, ये स्कीम थी किशोरी लड़कियों के लिए। फिर एक क्वेश्चन पूछा था उस्ताद मंसूर, तो ये उस्ताद मंसूर जो है वो पेंटर थे जहांगीर के टाइम पे। तो ठीक है दोस्तों, ये डिस्कशन था, इससे आगे हम आपके लिए कुछ कोर्सेज प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको इफेक्टिव मेथड में आपको हर चीज़ कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।